हम देख सकते हैं ये अपने पास एक Realme 5i मॉडल का है ना डिस्प्ले है, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपन ने इस डिस्प्ले को असेंबल और डिसेंबल, मतलब कंडीशन अपन ने ये किया है कि इसको अपन ने अलग अलग कर लिया है, ठीक है। और अलग अलग क्यों किया हुआ है, क्यों से हमारे को देखा जाए कि हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला डिस्प्ले में कौन सा पार्ट होता है, कॉम्बो, कॉम्बो में या तो डिस्प्ले या तो टच या तो डिस्प्ले या तो ग्लास या फिर हमारा तीसरा पार्ट है फ्रेम, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अपन ने इसका ग्लास खराब था तो ऑलरेडी अपन ने इसका ग्लास अलग करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ओनली हाथों से है ना पंचिंग करना, ठीक है, जो कि कई लोग कई भाई लोग क्या होते हैं एक्चुअल में या कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं अफोर्डेबल नहीं कर पाते बड़ी बड़ी मशीनों को, क्योंकि इस काम को मशीन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, और बिन बगैर मशीन के भी किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, हमको डिस्प्ले को फ्रेम पे रखना है। अब फ्रेम पे क्यों रखना है, क्योंकि हमको इस ग्लास को बराबर अलाइनमेंट कराना है, क्योंकि एक बार अगर हमारा ओसीए जो है, और ओसीए क्या होता है कोई बताएगा, ओसीए हमारा एक ग्लू फॉर्म का एक लैमिनेशन सीट होता है जो कि आपके डिस्प्ले और ग्लास को या डिस्प्ले या टच को चिपका के रख सकते हैं या एडहेसिव करके रखता हुआ, ठीक है, चिपका के रखता है, ठीक, ओके। और ये जो ओसीए होगा हमारा या तो हमें अलग से देखने मिल जाएगा, ठीक है, इस साइज के फॉर्म में, ठीक है, ओसीए का फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल क्लियर एडहेसिव है ना, ये हमारा जो है ओसीए, ठीक है। और ये जो है हमारा ओसीए, ये हमारा साइज होगा लगभग 6 इंच के आसपास, ठीक। तो ये हमको अब जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो ग्लास है वो विथ ओसीए वाला है, अगर ये विदाउट ओसीए वाला होता तो हम इसको अप्लाई करते, ठीक है। तो हम ये भी अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे टच को कैसे करते हैं, ये टच के लिए हो गया, क्योंकि लगभग लगभग जो टच होती है हमारी वो विदाउट ओसीए आती है, ठीक है, और जो हमारे ग्लास आते हैं वो विथ ओसीए और विदाउट ओसीए दोनों ही आते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो अपन देखते हैं इसको कैसे क्या इसको अपन करते हैं फिक्स। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले जब हमारा क्लीन रहेगा तो ही हमको आगे का प्रोसीजर बढ़ाना, ठीक है। अगर हल्का भी डस्ट वगैरह या कोई भी आपका डस्ट पार्टिकल होगा तो हमारा ग्लास लगने के बाद हमको बबल ज़्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फाइनली अपन फाइनल टच दे देते हैं, ओके, ये हमारा फाइनली है, हमको ये ध्यान देना है। एक और डस्ट का सॉल्यूशन है, हम अपनी शॉप वगैरह में एक आपका डस्ट एयर प्यूरीफायर टाइप का या डस्ट प्यूरीफायर करके एक डिवाइस आता है जिसमें हम उसको रख के क्या कर सकते हैं डस्ट को थोड़ा सा कम